9:40 हो रहे हैं और हम अपने संकरी से निकल चुके हैं जूडा का तालाब के लिए। ये मेरे साथ ललित जी हैं, ये भी केदारघंटा के ट्रैकिंग में पहली बार आ रहे हैं। ललित जी हाय, कैसा लग रहा है आपको? हाय एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अभी देखते हैं इस ट्रैक पे हमें किस किस तरह के चैलेंजेस मिलने वाले हैं और किस तरह का टेरेन होगा, किस तरह की हमें स्नोफॉल मिलेगी, ये हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। मौसम फिलहाल काफ़ी साफ लग रहा है, ये आप देखिए जरा, ये देखिए संकरी से जूडा का तालाब का रास्ता कुछ ऐसा है और जूडा का तालाब का रास्ता। ये देखिए, ये भी हमारे ग्रुप में ही है। ये देखिए विष्णु भाई, ललित भाई फिर आ गए हैं। दस पंद्रह मिनट चलने में इतनी ज्यादा थकान हो गई है। अभी तो बस मुश्किल से 250 मीटर ही चले होंगे और ऐसी थकान हो रही है और 4.5 किलोमीटर चल रहे हैं। देखते हैं सफर कैसा चलता है। फिर दोबारा 15 मिनट के बाद एक और हॉल्ट लेते हुए, लेकिन अभी जो भी लोग ऊपर समिट से आ रहे हैं उनसे पूछा है कि बेस कैंप और समिट दोनों पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, तो अब एक्साइटमेंट का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब ये भाई भी हमारे साथ चलते हुए हैं, बाकी का ग्रुप अभी हमारा पीछे रह गया है। ये देखो जूडा के तालाब जाते हुए रास्ता 60 से 70 डिग्री का इंक्लाइन है। अभी हमने दूसरा टी स्टॉल कवर किया है बस 5-7 मिनट पहले और अभी से ही सबकी फटी पड़ी है, सच में बिल्कुल एकदम सांस फूल गई है। हर 5-5, 10-10 मिनट में हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है। अभी ये नीचे हमारा आ रहा है ग्रुप बाकी का धीरे धीरे, और भी हमें थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि कंफ्यूजन हो गई थी कि जने कितने हैं, 24 है 25 है 26 करने वाला कौन था? तो उसी चक्कर में देर लग गई, लेकिन अब खैर हम वापस चलने लग गए हैं। होपफुली पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक, 3 बजे तक चलो एक्सपेक्टेड है, देखते हैं बाकी कब तक पहुंच पाते हैं। 9:30 बजे के हम लोग निकले हुए हैं संकरी से जूडा का तालाब जाने के लिए। 1 बज चुका है, अब जाकर हम अपने 3rd T point पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आपको पीछे टी पॉइंट दिखाई दे रहा होगा और आगे विष्णु खड़ा हुआ दिख रहा होगा। अब 60% हो गया है अभी, अब देखो एक्सपेक्टेड अभी भी यही लग रहा है कि 3 बजे तक हम जूडा का तालाब पहुंच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पानी भी इवन जमना शुरू हो गया, आपको पीछे शायद थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही होगी। ये देखिए रात को ये पानी जम जाता है और अभी भी जमा पड़ा है। तो जूडा का तालाब से हमें ज़्यादा जो बर्फ के पैचेज हैं वो दिखने लगेंगे और जब वहाँ से हम बेस कैंप जाएंगे तो बहुत स्नो है, देखते हैं कैसा रहता है। बहुत ही टेस्टी लंच करके हम लोग पहुंच चुके हैं अब जूडा का तालाब और ये लेक बिल्कुल जमी पड़ी है, सिर्फ आगे से थोड़ी सी नहीं जमी हुई, बाकी पूरी लेक जमी हुई है। पहले हमें लग रहा था कि ज़्यादा नहीं जमी हुई, लेकिन लोग तो ऊपर घूम रहे हैं लेक के, तो अभी हम भी जाने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे के निकले हुए, 3:15 बजे हम अपनी कैंप साइट पर पहुँच चुके हैं जो कि जूडा के तालाब से 100 मीटर दूर है। ये हमारी कैंप साइट है। हाय गाइस, अगेन वी आर बैक। हमारी हालत बहुत टाइट हो चुकी है जूडा के तालाब तक आने के लिए, बट ये बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। भाई के साथ पता ही नहीं लगा कब हम जूडा का तालाब पहुंच गए और यहाँ के हम इतना एंजॉय कर रहे हैं आप पूछो मत। हर आदमी को लाइफ में एक बार केदारकंठा ट्रैक जरूर करना चाहिए। कंधों से बैग उतार के भाई इतना आराम मिल रहा है, इतना आराम मिल रहा है अब। सो अभी हम लोग जूडा के तालाब के ऊपर चल रहे हैं, लेक जमी हुई है बिल्कुल। तो इस लेक को लेकर काफ़ी सारी कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि जब शिवजी जी यहां पर तपस्या कर रहे थे ऊपर केदारकंठा पर और उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने अपने जूड़े से एक बाल निकाला था और वो यहाँ पर डाला था, तो उससे यहाँ पर पानी का ये लेक बन गई थी, तालाब बन गया था, जिससे इसका नाम पड़ा है जूडा का तालाब। ठीक है, इसके अलावा और भी कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि एक बार एक भेड़ चराने वाला अपनी बांसुरी बजाते हुए आया था तो उसकी बांसुरी इसमें गिर गई थी,
ठीक है, तो उसने बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश करी उसको निकालने की, लेकिन नहीं निकली। तो फिर उसके बाद जब वो क्या हुआ, वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ ने वही बांसुरी उसकी मेज पर रखी हुई है। उसने पूछा, भाई तू ये कहाँ से लाई है? तो उसकी वाइफ ने बताया कि ये मेरे को पास वाली नदी से मिली है। तो तब उससे ये भी पता चला कि ये काफ़ी सारे जो वाटर स्ट्रीम्स हैं उससे भी जुड़ी हुई है। तो ये दो कहानियाँ मैंने देखी थी विकिपीडिया पे, ये है जुड़ा का तालाब, और ये भी एक कहानी है कि पहले ये दो तालाब हुआ करते थे, ठीक है, और बाद में ये दोनों जुड़ के एक तालाब बन गए।